हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे मीन लग्न, मीन राशि 2022 के जून माह में क्या बेहतर हो रहा है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका, धन की स्थिति कैसी रहेगी, पराक्रम कहाँ कर रहे हैं, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रेम और आपके लव लाइफ कैसी जाती हुई प्रतीत हो रही है, कर्म पथ पे कैसे रहेंगे, भाग्य कितना सपोर्ट करेगा और धन कितना कमा रहे हो, साथ में कहाँ कहाँ गंवा रहे हो, कौन कौन सी परेशानी आपका इंतजार कर रही है, कौन लोग हैं जो आपके लिए गड्ढा खोदने के लिए तैयार हैं, ये सारी चर्चा इस वीडियो पे करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले आपसे अनुरोध है, यदि चैनल को अभी आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल के साथ मजेदार बात यह है कि चैनल को सिर्फ 12% ही सब्सक्राइबर देख रहे हैं, मतलब 88% लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं। तो कृपया आप सकारात्मक पक्ष में खड़े हों, सब्सक्राइब करने वालों की श्रेणी में आप खड़े हों, ऐसा आपसे अनुरोध है। मीन लगन, मीन राशि, जून 2022 कैसा जा रहा है, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जून 2022 आपके लिए बेहतर जा रहा है। लग्नेश आपके लग्न भाव में विद्यमान है और बढ़िया कंडीशन है, कोई पाप प्रभाव नहीं है, अतः कोई संदेह नहीं है कि आप जून माह में निरंतर विकास करते हुए ना प्रतीत हों। तो मान सम्मान आपके अंदर है, गरिमा युक्त इस समय वातावरण है आपका, गरिमा युक्त आपका व्यक्तित्व है, ज्ञानात्मक व्यक्तित्व है और आपकी एक ओरा जो डेवलप हो रही है उस ओरा से लोग आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो खुश रहिए और अपने गुरु को ठीक करिए, ये व्यक्तित्व आपका निरंतर चमकता जाएगा। आपके कुंडली में सेकंड हाउस में राहु महाराज बैठे हैं, ये थोड़े से नकारात्मक चल रहे हैं क्योंकि सेकंड हाउस मुख का होता है और राहु अवांछित चीजों को मुख के अंदर डालता है। स्मोकिंग करना, गुटखा खाना या कोई नशा करना, मीट मच्छी खाना, मतलब जो चीज़ें लोग टच करके स्नान करते हैं, टच नहीं करना चाहते उनको आप तल के खाओगे, सब लोग नहीं लेकिन जिनके कुंडली में इस तरह की स्थितियां बनी है वो लोग, सारे मीन लगन वाले नहीं करेंगे। अगर आपकी कुंडली में गुरु शुभ हैं और सेकंड हाउस का लॉर्ड मंगल सही पोजिशन में तो आप नहीं करोगे, लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल दब गए हैं, गुरु में नीचता आ गई है, गुरु कहीं ऐसे पाप प्रभाव में आ गए तो आप करोगे, तब आपको मजा आएगा ये सारे चीज़ करने में, सुरा सुंदरी का आपको शौक हो जाएगा, तो गुरु की गुरुता को राहु ग्रहण कर लेगा, तो बड़ा सावधान रहें। स्लिप करना बहुत आसान है, एवरेस्ट पे पहुंचना कठिन नहीं है, एवरेस्ट पे बने रहना कठिन है, ठीक है ना। तो वहां पे जो ऊंचाई आपको परमात्मा देना चाह रहे हैं उसको संभालने की क्षमता आपके अंदर आनी चाहिए। तो राहु महाराज की यहाँ पे जो उपस्थिति है वो धन को नुकसान कर रही है, आपके वाणी जो है ना इसमें वाण जैसे हो रही है, तो वाणी को वीड़ा बनाए, वाण ना बनाए, ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। वैसे भी आपकी वे ऑफ टॉकिंग थोड़ी सी टफ है, आपके अंदर मंगल का साउंड लगा है तो आप बड़े प्यार से बोलो तो लगता है डांट के बोल रहा है भाई, अगले आदमी बोलेगा डांट के क्यों बोल रहे हो, यद्यपि आप डांटते नहीं, साउंड ही ऐसा लगा है, आप क्या कर सकते हैं। अब राहु उस साउंड में घरघराहट कर देगा तो आवाज तेज और फट जाएगी, तो क्या होगा, रिश्ते यहाँ पे खराब होंगे। अब ऐसे मंगल भी अपने से द्वादश है, तो मंगल भी क्या है आपके लग्न को तेज दे रहे हैं, आपके अंदर गुस्सा ज्यादा आएगा और क्रोध विवेक का हरण कर लेता है, क्रोध बुद्धि का हरण कर लेता है और राहु बुद्धि का हरण करने के लिए बैठा है, तो बड़ा सावधान रहिएगा महाराज। देखिए ज्योतिष बहुत सरल है, बस वहां से पकड़िए, अपने जीवन में उतारिए, फटाफट फिट कर दीजिए, वो की तरह फिट होंगे और आप सब कुछ बताना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे जो स्थिति बन रही है, मंगल अपने से द्वादश हैं और शुक्र जो इस कुंडली में तृतीयेश हैं और अष्टमेश हैं वो द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो परिवार में कुछ ऐसा होगा जो आपके सम्मान के खिलाफ होगा, परिवार में कुछ ऐसा होगा जो दाग टाइप देके जाएंगे। अब यहाँ पे शुक्र को राहु ग्रहण लगा रहा है, तो इसका मतलब जो शुक्र संबंधित चीजें हैं उनमें ग्रहण लगेगा, अपमान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो बड़ा ध्यान रखें। सुख का स्वामी अपने से द्वादश है और जब घर में इस तरह के कोई कर्मकांड हो जाए, कांड हो जाए तो सुख आपको कहाँ मिलेगा, निद्रा भंग हो जाएगी महाराज, नींद भी आना आपसे दूर हो जाएगी, नींद रूठ जाएगी, ऐसा कह सकते हैं। तो बुध अपने से द्वादश, शुक्र अपने से द्वादश और मंगल अपने से द्वादश, तीन ग्रहों की द्वादशी स्थिति आपको तनाव तो देगी, गुरु अकेले क्या संभालेंगे भाई, घर में आप मालिक हैं, आप अकेले संभाल रहे हैं, जो तीन सपोर्टर हैं वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, वो व्यात्मक हो जाएं, वो घर के सामान फेंकना शुरू करेंगे, आप किसको संभालोगे, तो समझाना पड़ेगा, सबको इकट्ठा लेके चलना पड़ेगा। बुध महाराज आपके कुंडली में सप्तमेश हैं, सप्तमेश अपने से नवम भाव में गोचर कर रहा है, अतः मित्रों का आप मित्रों को समझा के उनका सहयोग ले सकते हैं, क्या
बुद्धि ढंग से, बुद्धि पूर्ण कार्य से, चातुर्य पूर्ण कार्य से ही आपको उनका सहयोग लेना है, उसी की वजह से सहयोग करेंगे। अगर आप दबंगई से पेश आओगे तो वो आपसे दूर निकल जाएंगे, उनका व्यय हो जाएगा। तो बड़ा ध्यान रखिए, मंगल आपके कुंडली में भाग्य के स्वामी है, लग्न में है तो भाग्यशाली तो है, भाग्य तो साथ दे रहा है। आपके लगभग 80-78% काम भाग्य की प्रबलता की वजह से हो जाएंगे। कर्म का स्वामी चतुर्थ में गोचर कर रहा, अपने से चतुर्थ लग्न में गोचर कर रहा है, अतः कर्म पथ का विस्तार होगा, सरकार से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा। बड़े भाई बड़े मित्रों का स्वामी द्वादश में है, अतः उनसे बना के रखिए। यद्यपि वो लौटना चाह रहे हैं, तो बड़े भाइयों से बड़े मित्रों से अगर किन्हीं बातों को लेके बिगड़ गई है तो वो आपके पास वापस लौटना चाहते हैं। आप एक बार उनको प्रणाम करिए ना, एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज करिए ना, गुड मॉर्निंग राधे राधे लिखिए ना, उधर से आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, ऐसी संज्ञा बनी है। क्या ध्यान रखें, तो ध्यान ये रखें कि केतु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु महाराज आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो जीवन साथी की वाणी और आपकी वाणी दोनों हो रही है खराब। दोनों की वाणी वीणा नहीं वाण बन चुकी है, अतः घर में हो जाएगा गृह युद्ध, क्योंकि घर का स्वामी भी अपने से द्वादश है। तो बहुत सावधानी पूर्वक रखिए, क्या करें, राहु संबंधित चीजों का दान करें, राहु के मंत्रों का जाप करें और हो सके तो दुर्गा आराधना करें। दुर्गा जी इस तरह की सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देती हैं महाराज, तो उनकी आराधना आपके लिए श्रेष्ठ और कल्याणकारी होगी। बकाया बुद्धि बल से कार्य करें, सभी परेशानियों से आप उबर जाएंगे। चलिए आपके लिए मंगलमय शुभकामना, राधे।